हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चटपट खाना को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे कोई भी लेटेस्ट रेसिपीज आपसे मिस ना हो एंड इट्स टोटली फ्री। तो दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो है मटन खीमा कबाब। दिस इज माई अनदर रेसिपी स्पेशली फॉर बिगनर्स, वेरी सिंपल टू मेक। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी कम इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए झटपट देख लेते हैं इसे बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। मटन खीमा कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम्स खीमा यानी मिंस्ड मटन। इसे मैंने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। यह है 1 कप हरा धनिया और कुछ मिंट लीव्स। इस रेसिपी में हरा धनिया और मिंट लीव्स ज्यादा यूज होता है। यह है 2 बड़े प्याज जिसे मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। 1 टमाटर जिसे मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्चें मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है। 1 नींबू का जूस लगेगा हमें। यह 20 लहसुन की कलियां और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। पाउडर स्पाइसेस में हम लोग लेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार लेंगे हम लोग और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 6 से 7 चम्मच ऑयल लगेगा हमें, 1 टीस्पून जीरा, 3 सूखी लाल मिर्चें और ये है दालिया, इसे फुटाना भी बोला जाता है। इसे रोस्ट करके हमें इसका पाउडर बनाना है। मैं इसका पाउडर ऑलरेडी बना चुकी हूँ। इसे हम लोग बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो जो मिक्सचर होगा उसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से हमें 3 से 4 टेबलस्पून दालिया का पाउडर लग जाएगा। 1 अंडा लेंगे हम लोग। तो चलिए अब देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। एक पतीले में मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल और अब इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जीरा और रखी लाल मिर्चें और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें। और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन और इसे भी हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन को हम लोग हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इस पे हल्के हल्के ग्रिल्ड मार्क्स नहीं आ जाते। ये देखिए इस तरह से। और अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे प्याज और इसे हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये प्याज अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। देखिए प्याज यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और इसे भी अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। इसे मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारे पाउडर स्पाइसेस, हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर और इसे मिक्स करके हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे हम लोग। इसे मैंने अच्छे से भून लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी खीमा। और इसे अच्छे से मिक्स करके हम लोग हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे।
और अब हम लोग इसे कवर करके 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, या फिर जब तक पकाए जब तक ये कीमा अच्छे से गल नहीं जाता। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और कीमा जो है अच्छे से गल गया है। इसमें हल्का सा पानी अभी भी बचा हुआ है, तो अब इसे हम लोग हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। देखिए अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। खीमे का मिक्सचर ठंडा हो चुका है और मैंने इसे एक मिक्सी के जार में ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरा धनिया। और इसी के साथ मिंट लीव्स। मिंट लीव्स में से आप अच्छे से पूरा पानी निचोड़ लें और फिर इसमें ऐड करें, क्योंकि हमें इसे ड्राई पीसना है। इसमें मैं बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी नींबू का जूस। और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे हम लोग। देखिए अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, इसमें कोई भी अदरक और लहसुन का लंप नहीं है। बहुत ही फाइन पेस्ट मैंने इसका यहाँ पे बनाया है। अब मैं इसे एक बोल में निकाल लूंगी। अब इस मिक्सचर में हम लोग ऐड कर देंगे दालियों का पाउडर, यानी फुटाने का पाउडर। करीब 3 टेबलस्पून फुटाने का पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फुटाने का जो पाउडर है वो हम लोग इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से ऐड करेंगे। अगर ये मिक्सचर बहुत पतला है तो आप इसमें और फुटाने का पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब ये जो मिक्सचर है इसे हम लोग एक डब्बे में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। ये देखिए इस मिक्सचर को फ्रिज में रख के मुझे 1 घंटा हो चुका है और जो ये मिक्सचर है इसकी कंसिस्टेंसी अब काफी थिक हो चुकी है। अब हम इसके कबाब बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसके सारे कबाब बना लिए। आप भी कोशिश करें कि ये जो कबाब है सब एक ही साइज के हो। अब हम लोग फ्राइंग पैन पे ऐड कर देंगे ऑयल और उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। एक बोल में मैंने अंडा क्रैक कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट और इस अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे हम लोग। तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है, तो अब ये जो कबाब है हम लोग इसे अंडे में अच्छे से डिप करके फ्राइंग पैन पे छोड़ देंगे फ्राई होने के लिए। ये देखिए इस तरह से आपको इस कबाब को अच्छे से डिप करना है अंडे में सभी तरफ से और इसे फ्राइंग पैन पे छोड़ देंगे हम लोग फ्राई होने के लिए। देखिए जो सारे कबाब है मैं इन्हें अंडे में डिप करके फ्राइंग पैन पे छोड़ चुकी हूँ। अब इन्हें हम लोग एक साइड से 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लेंगे और अब इसे पलट लेंगे हम लोग। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक साइड से ये कबाब अच्छे से पक चुका है, क्योंकि ये जो खीमा है हम लोग इसे ऑलरेडी पका चुके हैं, तो इन कबाब को हमें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है।
अब दूसरे साइड से भी हम लोग इसे 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। और अब हम लोग इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा मटन कीमा कबाब बनके तैयार है। वेरी डिलीशियस एंड ईजी टू मेक रेसिपी है ये। स्पेशली बिगनर्स इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने इन-लॉज को खुश करें। और मुझे कमेंट करके बताएं आपके इन-लॉज का क्या रिएक्शन था। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल झटपट खाना को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।